तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास फ्री फायर में एक न्यू ईवो गन आ गया है AN94। एंड यहाँ पर दोस्तों जब आप इसे अपग्रेड कर लोगे लेवल 7 पर तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरवेव देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपके कितने डायमंड लगेंगे और ये कैसा इसका परफॉर्मेंस होने वाला है सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इसको कर लेते हैं हम अनलॉक। तो इसके अनलॉक करने के लिए पहले हमको इन क्रेट्स को रिमूव कर देना है एंड कंफर्म कर देना है, ठीक है, एंड ओके दबा देना है। तो यहाँ पर पहला जो स्पिन होने वाला है वो 9 डायमंड का होने वाला है और मेरे पास पड़े हुए हैं 1031 डायमंड पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखूँगा कितने डायमंड लगते हैं और कितने स्पिन हमें करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं 9 स्पिन कर देता हूँ, सॉरी 9 डायमंड का स्पिन कर देता हूँ। तो यहाँ पर पहला स्पिन में हमें कुछ ईवो गन के टोकन देखने को मिल गए हैं एंड जो दूसरा स्पिन होने वाला है वो 19 डायमंड का होने वाला है, तो ये भी हम कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और यहाँ पर दोस्तों निकलता है, निकल जाए यार बॉम्ब लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, बॉम्ब भी बढ़िया होगा, तो अभी इसको कर लेते हैं ओके। एंड यहाँ पर 39 का एक स्पिन कर देते हैं, तो इसके लिए भी एक बार और स्पिन कर देते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पर ये पैराशूट निकला, ठीक है। तो अभी दोस्तों बैक चलते हैं, बैक जाने के बाद पहले कर लेते हैं यहाँ पर एक करेक्टर को चेंज। तो यहाँ पर मैं सबसे लो वाला करेक्टर ले लेता हूँ, यहाँ पर इसको ले लेता हूँ, ठीक है। एंड इसको ले लिया, अभी ईवो गन को भी हटा देते हैं हाथों से। यहाँ पर मैं जाता हूँ इसमें एंड यहाँ पर इसमें। तो यहाँ पर हमें इसको पहले शो इन लॉबी से हटा देना है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल आईडी को बना देना है। अभी स्पिन करके देखते हैं, फिर से लकी रॉयल में जाते हैं एंड अभी 59 का जो स्पिन है वो कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कर दिया, देखते हैं अभी क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। एक बार फिर से जाते हैं एंड लकी रॉयल में जाते हैं, तो यहाँ पर गोल्ड पे यहाँ पर स्पिन कर देते हैं थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर 10 स्पिन मैंने कर दी एक साथ, तो चलो ठीक है अभी पैक जाते हैं। तो यहाँ पर फिर से जाते हैं लकी रॉयल में एंड यहाँ पर 99 डायमंड का स्पिन कर देते हैं। तो देखते हैं अभी क्या निकला दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने कर दिया एंड यार अभी एक और, चलो ईवो गन के साथ टोकन हमें निकल गए। तो अभी 149 का स्पिन कर देते हैं अभी, चलो देख लेते हैं अभी क्या निकलता है। तो बैकपैक, अरे यार अभी ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, अभी बैकपैक भी इसका बहुत बढ़िया है और ये गन तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो अभी बैकपैक के लिए हमें 500 डायमंड पे करने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी लगा लीजिए। तो 199 डायमंड का स्पिन कर देते हैं। तो अभी बैकपैक निकलेगा, मुझे पता था बैकपैक निकलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बैकपैक जो है ना बहुत बढ़िया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा सच में। यहाँ पर दोस्तों बैकपैक मिल गया, ओके दबा देते हैं और इसको कर देते हैं ओके। एंड जो लास्ट स्पिन है हमारा जो गन का है, तो यहाँ पर दोस्तों 499 डायमंड मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मुझे थोड़े डायमंड और ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 80 रुपये का और टॉपअप किया एंड यहाँ पर मैंने 100 डायमंड और ऐड कर लिए। तो यहाँ पर दोस्तों अभी लास्ट स्पिन भी कर देते हैं। तो यहाँ पर लास्ट स्पिन में तो निकलना ही निकलना है इसको। तो यहाँ पर दोस्तों एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका। यहाँ पर दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है, देन अभी आपको दिखा देता हूँ इसको इक्विप करके। एंड यहाँ पर जाते हैं वेपन्स में, वेपन्स में जाने के बाद यहाँ पर ईवो गन में चलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पास सभी के सभी ईवो गन अभी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो है इसको शो इन लॉबी कर देते हैं एक बार, यहाँ पर शो इन लॉबी कर देते हैं। सॉरी ये हो गया, एक बार इसको करते हैं शो इन लॉबी। तो इसको अपग्रेड करने के लिए दोस्तों आपके बहुत सारे डायमंड जाने वाले हैं और मेरे अभी जो पूरे टोटल डायमंड लग चुके हैं वो है 1050, पूरे 1050 डायमंड मेरे लग चुके हैं। तो तब भी आप इसको ओपन कर पाओगे, अदरवाइज अगर आपके पास कम डायमंड है तो आप इसमें पंगा मत लेना, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा। एंड दोस्तों बैकपैक भी आपको दिखा देता हूँ, बैकपैक के लिए यहाँ पर जाते हैं कलेक्शन में। एंड यहाँ पर दोस्तों बैकपैक बढ़िया था, वो मुझे अभी फाइंड करना पड़ेगा, तो उसको भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। ये रहा दोस्तों ये बैकपैक रहा, तो इसको मैं एक बार अवर करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। बढ़िया कलेक्शन है दोस्तों, पर्पल क्रिमिनल के साथ बढ़िया लग रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।